नमस्कार साथियों, आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अभी तक कल्याण का मतलब तो आप समझते हैं किसी का नाम नहीं, बंबई वाला कल्याण नहीं है ये कि आप सोचो बंबई वाला कल्याण है या किसी व्यक्ति का नाम है। मतलब ह्यूमन वेलफेयर से तात्पर्य है कि ह्यूमन के लिए बहुत लाभदायक हो। अभी तक आप लोगों ने ये जाना है या ये सुना है कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, यानी कि कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह मानव के लिए हानिकारक होते हैं, यही आप और हम लोगों ने पढ़ा है। क्या अपने डेली रूटीन लाइफ में मुख्य रूप से ये जो जीवाणु है या फंजाई है या एक्टिनोमाइसिटीज है, जिनको तंतुवत जीवाणु भी कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज को, ये आप और हम लोगों के लिए क्या लाभदायक हो सकते हैं? बिल्कुल 100% सही है, आप और हम लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रोब्स का मीनिंग आना चाहिए, सूक्ष्म जीव का मीनिंग आना चाहिए। मतलब ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप और हम लोग नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप और हम लोग नग्न आंखों के माध्यम से या नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उन्हें ही मुख्य रूप से माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन को मैं एक बार लिख देता हूं। वे ऑर्गेनिज्म जिन्हें नेकेड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर मैंने लिख दिया, नेकेड आई यानी नग्न आंखों। नग्न आंखों का क्या तात्पर्य है? कोई पर्दा थोड़ी आंखें कपड़ा थोड़ी पहनी है। नग्न आंखों से मतलब है कि सीधे सीधे जो आप और हम लोग इस समय देख रहे हैं, कि नग्न आंखों से मतलब ये है, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के बिना इनको आप और हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो इसमें जो स्टडी के रूप में, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। दूसरा आप ले सकते हैं एक्टिनो माइसिटीज, इनको तंतुवत जीवाणु कहा जाता है। फिर आते हैं फंगस, यानी इनको कवक कहा जाता है। विषाणु भी इसी कैटेगरी में आते हैं, विषाणु भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो स्वाभाविक है, आज तक आप लोगों ने और हम लोगों ने ये जाना कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये आप और हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन हार्मफुल के साथ साथ मुख्य रूप से ये आप और हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते, बहुत लाभदायक भी होते हैं, बहुत लाभदायक भी होते। तो ये लाभदायक मुख्य रूप से किस रूप में हो सकते हैं? ये लाभदायक मुख्य रूप से किस रूप में हो सकते हैं? तो सबसे पहला मुख्य रूप से देखिए किस रूप में हो सकती है। इन हाउस होल्ड, घरों में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आप और हम लोग उपयोग करते हैं, घरों में आप और हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उनमें भी मुख्य रूप से ये उपयोग हो सकते हैं। दूसरा मुख्य रूप से इन
इन इंडस्ट्री यानी उद्योगों में भी मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जा सकता है, जिसमें उद्योग जो रहते हैं उनमें भी मुख्य रूप से इनका उपयोग होता है। नंबर तीन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी शॉर्ट में बोल देते एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से तात्पर्य है कि घरों में या उद्योगों में या अन्य स्थानों पर जो गंदा पानी होता है, टॉयलेट का पानी है, किचन का पानी है, कपड़ा धोने का पानी है, बर्तन धोने का ये पानी होता है, तो इसका मुख्य रूप से उपचार करके नदियों में मिलाया जाए, उसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसको क्या कहा जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी माइक्रोब्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। फिर आता है बायोगैस। बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर्स। तो सुने, देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो आपको क्लियर हो ही चुका है, बायोगैस प्लांट्स क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, आज बायोगैस प्लांट्स बहुत उपयोगी साबित हो चुके हैं। गांव गांव में मुख्य रूप से बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बायोगैस प्लांट जो होते हैं कि गोबर वगैरह या अन्य जो कचरा होता है उसको एक टैंक में भरकर मुख्य रूप से वहां मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया मुख्य रूप से उस जगह डेवलप हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप CH4 वगैरह ये जो मीथेन गैस वगैरह होती है वह गैस बनती है, जिनको आप और हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। तो ये जो गैस है वह बायोगैस है। बायोगैस भी मुख्य रूप से माइक्रोब्स का ही एक प्रोडक्ट है। इस वजह से बायोगैस का बेनिफिशियल माइक्रोब्स में भी बताया जाएगा। फिर बताया जाता बायो कंट्रोल से मतलब क्या तात्पर्य है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं क्या, जो मुख्य रूप से किसी प्लांट्स को या किसी ह्यूमन को हार्मफुल होते, किसी ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको नष्ट करने वाले दूसरे ही बैक्टीरिया हों तो स्वाभाविक है उनको कहा जाता है बायो कंट्रोल। उनको क्या कहा जाता है? बायो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधे सीधे ये कहा जाए, किसी दूसरे सूक्ष्म जीव को नष्ट करके किसी प्लांट्स वगैरह को सुरक्षित करे, उन्हीं को कहा जाता है बायो कंट्रोल। तो प्रकृति में, नेचर में मुख्य रूप से इस प्रकार के बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, माइक्रोजीव पाए जाते हैं जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर्स। आज आप और हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी माइक्रोब्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है। तो आपने देखा कि मैंने आपको 6 टाइप से बताया कि माइक्रोब्स का क्या यूज है ह्यूमन के लिए। तो इसी वजह से इस चैप्टर का टाइटल का नाम दे दिया गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये अभी तो आपने शॉर्ट में समझा, एक एक करके आप और हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जहां जहां रटने वाली बात है वहां मैं बता दूंगा आपको कि रटना है, और इसके बाद शेष मन से लिखना है। ज्यादा टिपिकल पोर्शन नहीं, बहुत सिंपल पोर्शन है ये वाला मुख्य रूप से। तो देखिए, सबसे पहले आप और हम लोग चर्चा करते हैं इन हाउस होल्ड, मतलब घरों में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा बनाए जाते हैं। समझ में आया बच्चे के नहीं आया? तो घरों के सबसे पहले उत्पादों को आप और हम लोग चर्चा में लाते हैं। तो इनका ले लीजिए, पहले आप जरा स्क्रीन शॉट और फोटो ले लीजिए बच्चे। ले लिया, मैं समझता हूं, अब यहां से मैं मिटालने चल रहा हूं। देखिए, घरों में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और आप और हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए, घरों में कौन कौन से मुख्य रूप से उपयोग होते हैं। सबसे पहला मुख्य रूप से जो होता है, मिल्क प्रोडक्ट,
मिल्क प्रोडक्ट, क्या दूध से बनने वाले उत्पाद, दूध से बनने वाले जो उत्पाद है वह मिल्क प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से, कर्ड यानी दही, क्या दही, फिर चीज यानी पनीर, क्या पनीर, फिर क्या कहा जाता है, घी, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन चलिए घी, हाँ घी भी यही होता है, क्या घी भी हो जाता है। इसके बाद ये योगर्ट, ये कुछ उत्पाद है जो आपके सिलेबस में है, मैं सिर्फ वही बताने जा रहा हूं, वही से बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में इंडिकेट है। तो मुख्य जो है सिलेबस में वह आपका कर्ड है, क्या है, कर्ड है और चीज है, इन दोनों को सिर्फ याद करना। मैं बताऊंगा आपको योगर्ट भी बताऊंगा, घी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है वह कर्ड या चीज आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कर्ड या चीज पढ़ना है, पहली चीज। फिर इसके बाद मतलब घरों में आपने देखा होगा अधिकांश इडली का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, इडली के उपयोग किए जाते हैं, डोसा का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, डोसा का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। और आपके ब्रेड का उपयोग किया जाता है, क्या ब्रेड का उपयोग किया जाता है, और एक टोडी होता है, क्या होता है, टोडी होता है, यह है साउथ इंडियन ड्रिंक है, ये कहा जाए साउथ इंडिया में बनाई जाती है, तो वहां के लोग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ इंडिया में बनाई जाती, यहां इसको आज बस्तर में भी मुख्य रूप से बनाया जाता है, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है वहां भी मुख्य रूप से इसको तैयार किया जाता है, इसको फर्मेंटेड ड्रिंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फर्मेंटेड ड्रिंक कहा जाता है, और कुछ लोग तो इसको साउथ इंडियन ड्रिंक भी कह देते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ में नहीं है कहीं भी, ये साउथ इंडिया में मुख्य रूप से, इस वजह से साउथ इंडियन ड्रिंक के नाम से इसको जाना जाता है, क्या साउथ इंडियन ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, ड्रिंक 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 से ध्यान रख लेना। तो ये चीज है जो घरों में उपयोग किए जा रहे हैं, इन हाउस होल्ड, मतलब ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि आज आप और हम लोग दही का उपयोग बहुत कर रहे हैं, दही का उपयोग बहुत कर रहे हैं, चीज का उपयोग बहुत कर रहे हैं, यानी पनीर, कितना अच्छा लगता है पनीर, मटर पनीर की सब्जी खाई जाए बहुत अच्छी लगती है, क्या, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से आज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। पहलवान लोग जो पहलवानी करते हैं, सामान्य तौर पर मुख्य रूप से जो वह घी का उपयोग बहुत करते हैं, क्या घी का उपयोग बहुत करते हैं, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से योगर्ट वगैरह ये जो है, मतलब दुग्ध के बहुत उत्पाद है, दुग्ध के बहुत उत्पाद है, मट्ठा जिसको भाई कहा जाता है, मट्ठा जिसको भाई कहा जाता है, तो इनका उपयोग भी मुख्य रूप से आज आप और हम लोग घरों में कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, तो ये किसके प्रोडक्ट है, ये किसके प्रोडक्ट है, ये बैक्टीरिया के प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है, तो बहुत सारा उपयोग मुख्य रूप से, आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बहुत से लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में यदि उनको मिल्क के स्थान पर दही दिया जाए, कर्ड दिया जाए, तो वह उनके लिए लाभदायक है। दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पाचन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनको उस स्थान पर दही दे दिया जाए, तो दही तो ऑलरेडी पहले से ही मुख्य रूप से पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, दही पूर्व से ही पहले से ही पार्शियली डाइजेस्ट होता है, तो वह आसानी से पका लिया जाता है, पचा लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। फिर दूसरी बात, स्वादिष्ट भी होता है, क्यों, क्योंकि लाभदायक क्यों है, स्वादिष्ट के साथ साथ लाभदायक क्योंकि उसमें विटामिन B12 पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, इस वजह से मुख्य रूप से जो लोग दूध को डायरेक्ट नहीं डाइजेस्ट कर पाते या दूध नहीं लेते, उनको यदि दही प्रोडक्ट दिया जाए तो वह बहुत ही लाभदायक होता है, क्या बहुत ही लाभदायक होता है, तो ये उपयोग किया जाता है कर्ड का या दही का। चीज का उपयोग, पनीर का उपयोग मतलब सब्जी बनाने में, या कुछ लोग रूखा ही खाते हैं, या कुछ लोग रूखा ही खाते हैं, घी को मुख्य रूप से रोटी के साथ चुपड़कर या सब्जी में डालकर इसका उपयोग किया जाता है, या वैसे ही उपयोग किया जाता है। योगर्ट आप जानते हैं, ये भी मिल्क का प्रोडक्ट है, तो स्वाभाविक है कि ये जो मिल्क के जो प्रोडक्ट बने, मिल्क के प्रोडक्ट बने वो मुख्य रूप से किस प्रकार से बने, एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैब के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है,
लैब के नाम से इसको जाना जाता है। लैब की फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड के उत्पाद करते हैं, लैक्टिक एसिड को बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टाइयो बैक्टीरिया है, क्या? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, इसमें लिख लीजिए, एक मैं बैक्टीरिया का नाम बता देता हूँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टाइयो बैक्टीरिया है। वह मुख्य रूप से क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड का उत्पाद करते हैं, इस वजह से इनको इन शॉर्ट कह दिया गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कह दिया गया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, इसके अंतर्गत आने वाला एक बैक्टीरिया है। देखिए मैं लिखे देता हूं उसकी प्रकृति, लैक्टोबैसिलस, क्या लिख दिया? लैक्टोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया जो है, यह व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा दूध जो रहता है, मिल्क, मिल्क को पहले गर्म किया जाता है, अच्छे ढंग से गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद मुख्य रूप से उसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें जामन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जामन मिलाया जाता है, यानी इनोकुलम किया जाता है। क्या किया जाता है? इनोकुलम मुख्य रूप से किया जाता है। जब स्वाभाविक है कि उसको इनोकुलम किया जाता है, क्या उसको इनोकुलम किया जाता है, जामन मिलाया, तो उसमें क्या होता है? खट्टापन होता है, बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं। दूध ठंडा करके मुख्य रूप से दही मिलाया जा रहा है, दही एक छोटी मात्रा, दही ये नहीं कि दूध, अब आप कहो सर दूध में दही मिला दिया तो फिर दही तो था ही, दूध को में क्यों, थोड़ी सी मात्रा में, जो जामन होता है उस जामन में मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या? ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से उस दूध को फिर स्कंदित करने का कार्य करते हैं, यानी कोगुलेट करने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? स्कंदित करने का कार्य करते हैं, कोगुलेट करने का कार्य करते हैं, यानी कि दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। अब स्वाभाविक है दूध को दही में बदलते हैं, या दूध को दही में बदलते हैं, तो उस दौरान मुख्य रूप से ये क्या कार्य करते हैं? दूध को दही में बदलते हैं तो उस दौरान मुख्य रूप से ये क्या कार्य करते हैं? सीधे सीधे क्या किया जाता है इनके द्वारा? मिल्क को दही में कन्वर्ट कर दिया गया, मिल्क को दही में कन्वर्ट किया गया, तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। तो स्वाभाविक है लैक्टिक एसिड जैसे ही बना तो क्या हुआ? मिल्क का पार्शियली डाइजेशन हो गया, क्योंकि मिल्क में जो शुगर पाई जाती है, मिल्क शुगर जिसको कहा जाता है लैक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं, किस शुगर के नाम से जाना जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए ले लिया, चलिए, मिल्क में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मिल्क शुगर, इस मिल्क शुगर का क्या नाम है? लैक्टोज। क्या नाम है? लैक्टोज है। तो ये जो मिल्क शुगर होती है, इस लैक्टोज को मुख्य रूप से ये जो बैक्टीरिया है ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि मुख्य रूप से आंशिक रूप से उसको पचा देते हैं। क्या कर देते? पचाते। जैसे आंशिक रूप से इस मतलब इस शुगर को, पचाया जाएगा तो स्वाभाविक है वहां क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी ये लैक्टिक अम्ल किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एलएबी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एलएबी। और एलएबी क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिख रखा है लैक्टोबैसिलस, क्या? लैक्टोबैसिलस लिख रखा है। तो लैक्टिक एसिड बना, साथ ही साथ मुख्य रूप से ये दही में B12 मिलाने का कार्य करते हैं, यानी कि B12 भी मुख्य रूप से इनके द्वारा बनाया गया, या B12 मिला दिया, तो जिसके कारण ये जो दही है वह दही मुख्य रूप से हल्का खट्टा हो जाता और स्वादिष्ट हो जाता है। कैसा हो जाता? स्वादिष्ट मुख्य रूप से हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उनको दही दिया जाए तो एक तो ऑलरेडी वह पार्शली डाइजेस्टेड है, एवं विटामिन B12 पाया जा रहा है, जिसके कारण वह स्वादिष्ट हो गया, वह भोजन कैसा हो गया? मुख्य रूप से स्वादिष्ट हो जाता है। ये मुख्य रूप से आपके क्या किया? बैक्टीरिया ने मुख्य रूप से दूध को दही में बदल दिया। किस में बदल दिया? दूध को दही में बदल दिया। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये जो बैक्टीरिया होते हैं कि ये फाइट ऑफ इन्फेक्शन इन स्टमच, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई मैं बातें बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई मैं क्लियर बातें बता रहा हूं कि ये जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं
फाइट ऑफ इन्फेक्शन इन स्टमच, यानी कि आमाशय में मुख्य रूप से इन्फेक्शन ना हो उससे फाइट करते, आमाशय में मुख्य रूप से इन्फेक्शन ना हो उससे फाइट करने का भी मुख्य रूप से ये माइक्रोब्स कार्य करते हैं। तो पहला आपका क्या होता है, दही होता है, कर्ड। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, दही का प्रयोग कई उसमें कर लेते हैं। दही का ऊपर ऊपर निकाल लीजिए, ऊपर वाला भाग जैसे दही मथ जाता है तो फिर गाढ़ा गाढ़ा वाला भाग आ जाता है, क्या रही से, इस प्रकार से आज मिक्सी का महिलाएं प्रयोग कर रही हैं, इस प्रकार से करते चले जाते हैं क्या मिक्सी का भी, तो ऊपर का वाला भाग निकला तो उसको मुख्य रूप से मक्खन कहा गया। लोग वहां मक्खन वैसे ही खा लेते हैं, इसकी बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी रहती है, फैक्ट्री भी लगी रहती है जिनको मिल्क डेयरी के नाम से जाना जाता है। और उससे मुख्य रूप से तचा के गर्म करके उससे घी निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, घी निकाला जाता है। तो ये मुख्य रूप से घी बन जाता है, इस प्रकार से क्या बन गया, घी बना के नहीं बना, तो ये आपका घी प्रोडक्ट बन के क्लियर हो गया। तो ये घी, फिर योगर्ट भी बनाया जाता है, चलिए योगर्ट को अपन बाद में पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, क्या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब चर्चा करते हैं आप और हम लोग चीज पर, अब चर्चा किस पर करते हैं, चीज पर। तो पहला ये हो गया, अब दूसरा क्या आता है, चीज, क्या आता है, चीज आता है। तो चीज को यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पनीर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पनीर के नाम से जाना जाता है, सभी ने देखा होगा। चीज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या है, लेकिन पनीर सभी ने देखा होगा। पनीर कई प्रकार का होता है, कच्चा पनीर होता है, कैसा होता है, कच्चा पनीर होता है, पक्का पनीर होता है, रॉकफोर्ट पनीर होता है, कैम्बर्ड पनीर होता है, कई प्रकार के मुख्य रूप से पनीर होते हैं। ये मुख्य रूप से मिल्क, मिल्क इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि दुग्ध जो डेयरी होती है, उन दुग्ध डेयरी में मुख्य रूप से आवश्यकता मांग के अनुसार मुख्य रूप से इनको बनाया जाता है, आवश्यकता अनुसार मांग के अनुसार मुख्य रूप से इनको बनाया जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन से मुख्य रूप से इसके टाइप्स होते हैं, चीज में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो कच्चा पनीर आता है, कौन सा पनीर, कच्चा पनीर, दूसरा पकी पनीर, रिपेंट पनीर जिसको कहते हैं, रिपेंट चीज कहा जाता है, फिर रॉक फोर्ड पनीर भी आता है, कौन सा पनीर आता है, रॉक फोर्ड पनीर भी आता है, और कैम्बर्ड पनीर आता है, और एक पनीर आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ स्विस पनीर, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ स्विस पनीर दिया हुआ, ये मेन पनीर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो इसको गोले में कर लीजिए और इसमें से ही प्रश्न किए जाएंगे, क्या आपका चीज शब्द दिया होगा, चीज में से आपको एक तो स्विस पनीर दिया होगा आपकी उसमें, और दूसरा एनसीईआरटी में रॉकफोर्ट पनीर मुख्य रूप से दिया हुआ, कौन सा पनीर दिया हुआ, रॉकफोर्ट। तो ये दो पनीर पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसने क्या बनाया, क्या किसने क्या बनाया, इस पर भी आप और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कच्चा पनीर, जो कच्चा पनीर है, देखिए पनीर बनेगा कैसे, वही दूध को मुख्य रूप से गर्म करेंगे, दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस यानी लैब को मिला दिया जाएगा, दही जो आएगा उसको अलग कर लिया जाएगा, और सीधे सीधे मुख्य रूप से फिर से पनीर बनाना शुरुआत कर देते हैं। तो स्वाभाविक है जो फर्स्ट टाइम जो पनीर बन के आया उसको कच्चा पनीर कह दिया गया, कौन सा पनीर कहा गया, कच्चा पनीर। तो ये पनीर का मुख्य रूप से जो निर्माण होता है उसमें कौन से बैक्टीरिया उपयोग किए जाते हैं, स्ट्रेप्टो कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, लैक्टिस कह दो या लैक्टिक कह दीजिए, ठीक है पहला। दूसरा इसी में आ जाएगा आपका, ये तो पहला नंबर का हुआ, दूसरा इसमें आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमेरिस, क्या क्रीमोरिस, ठीक है। तीसरा मुख्य रूप से
कौन से बैक्टीरिया जो इसको बनाने के कार्य कर सकते हैं? लैक्टोबैसिलस, डेक्स्ट्रोनियम, लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनियम, ये मुख्य रूप से जो है ये कच्चे पनीर को बनाने का कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, जो कच्चा पनीर बनाने का कार्य करते हैं, यानी चीज बनाने का कार्य करते हैं। ये सबसे पहले आप जान लीजिए। इनका जो टेस्ट होता है वह हल्का मीठा होता है। कच्चे पनीर का टेस्ट कैसा होता है? हल्का मीठा होता है। और इनको कॉटेज पनीर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इसका टेस्ट कैसा होगा? हल्का मीठा। टेस्ट कैसा होगा? हल्का मीठा होगा। और इनको कॉटेज पनीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉटेज पनीर भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रख लीजिए, कॉटेज पनीर कच्चे पनीर को ही कहा जाता है। तो एक सबसे पहले कौन सा हुआ? कॉटेज पनीर हुआ, सॉरी कच्चा पनीर हुआ। कौन सा पनीर हुआ? कच्चा पनीर हुआ। अब यही आप और हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे पनीर पर, जो बहुत महत्वपूर्ण पनीर है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, स्विस चीज। ये स्विस चीज आपको कैसे ध्यान रखना? स्विट्जरलैंड को कहते हैं ना, सॉरी इन शॉर्ट में कहते हैं स्विस। तो वही पनीर है। ऐसा नहीं कि वहां बनाया जाता है, क्या वहां बनाया जाता है? इस पनीर की विशेषता देखोगे तो मुख्य रूप से क्या होता है, इस पनीर में आपके मतलब है, क्या कहा जाए, मतलब सीधे सीधे बड़े बड़े छेद होते हैं। इस पनीर में मुख्य रूप से बड़े बड़े छेद होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। तो उस वहां मुख्य रूप से इसको स्विस पनीर कहा गया। इसका जो निर्माण किया जाता है, इसका जो निर्माण में बैक्टीरिया उपयोग होते हैं, वह कौन से बैक्टीरिया होते? नाम 100% आपको रटना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम दिखाई देगा, सार मैनी, क्या? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार मैनी मुख्य रूप से नामक एक बैक्टीरिया है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार मैनी नामक एक बैक्टीरिया है, जिसके माध्यम से स्विस पनीर बनाया जाता है। इसको आप रट लीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है? पहला। दूसरा, ये रॉकफोर्ट जो है, इसके बारे में भी मैं हल्के से बताना चाहूंगा। यह जो रॉकफोर्ट चीज जो है, रॉकफोर्ट चीज क्या होता है सबसे पहले आपको यह नॉलेज होना चाहिए। तो यह भी एक पनीर है, यह विशेष प्रकार का पनीर है। आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से रखना है। यह बैक्टीरिया के द्वारा नहीं बनाया जाता, यह फंगस के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? इसको फंगस के द्वारा मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? फंगस के द्वारा तैयार किया जाता है, कवक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वह कौन सा फंगस है या कौन सा कवक है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, रॉकफोर्ट चीज को तैयार किया जाता है? तो लिख लीजिए, पेनिसिलियम रॉक्यूफोल्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोल्टी विशेष ध्यान रखना, पेनिसिलियम रॉक्यूफोल्टी नामक फंगस से रॉकफोर्ट पनीर तैयार किया जाता है। तो यहां मैं लिख दूं, ये है क्या चीज? फंगस यानी कवक। ये क्या है? फंगस अर्थात मुख्य रूप से कवक है, जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ये आपका कौन सा हुआ? रॉकफोर्ट और स्विस हुए। अब जगह कहीं दिखाई दे रही है तो मैं यही, पक्का पनीर कौन बनाता है?
पकी जो पनीर है वह किस बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है, और कैम्बर्ड पनीर जो है वह किसके द्वारा। देखिए पकी पनीर जो है वह पाश्चरीकृत दूध में लैक को मिला देंगे, क्या लैक्टोबैसिलस, मतलब वही लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया को मिला देंगे। बैक्टीरिया को मुख्य रूप से मिलाने के बाद लैक्टिक एसिड उत्पन्न होगा, लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। फिर इसमें रेनेट मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, रेनेट, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा ही। तो उस दौरान मुख्य रूप से पनीर डेवलप हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पकी पनीर कहा जाता है। कहीं लिखा होगा कौन सा पनीर कहते हैं, पकी पनीर के नाम से जाना जाता है। फिर कैम्बर्ड एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैम्बर्ड लिखा हुआ है। तो इसको भी मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा देखना है, इसमें लिख लीजिए इसे किसके माध्यम से, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं कैम्बर्ड जो पनीर है यह किस बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है, पेनिसिलियम, यह जो बैक्टीरिया मुख्य रूप से जो सॉरी इसे पेनिसिलियम कैम्बर्टी कवक मिलाया जाता है। पेनिसिलियम कैम्बर्टी बैक्टीरिया नहीं है, कवक फंगस है, विशेष तौर पर इसको भी जो तैयार किया जाता है वह फंगस के द्वारा तैयार किया जाता है। और कौन सा फंगस है, पेनिसिलियम कैम्बर्टी मिलाकर मुख्य रूप से इसको तैयार किया जाता है। चूंकि पेनिसिलियम कैम्बर्टी मिलाया जा रहा है, इस वजह से इस पनीर को कैम्बर्टी के नाम से जाना गया। तो ये आपका क्या है, इतना चीज के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, चीज के बारे में पढ़ना है। तो भाई अभी तक आप और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक बार ये समझ लें। देखिए सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी कि माइक्रोस्कोप वगैरह के द्वारा देखा जाता है, उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंगस है, आपके फंगस है, एक्टिनोमाइसिटिस है और विषाणु है। आप लोगों ने ये जाना आज तक कि यह आप हम लोगों के लिए हार्मफुल होते, हार्मफुल नहीं होते, हानिकारक ही नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। लाभदायक मुख्य रूप से किस किस रूप में होते हैं, आपके इन हाउसहोल्ड रूप में होते हैं, क्या घरों में इनका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद है, इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है, प्लांट आप देख लेना, गंगा यमुना प्लांट कैसे कैसे बने हुए वहां पर। फिर इसका बायोगैस में किया जाता है, बायो कंट्रोल में किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। इन हाउस होल्ड फिर आपको पड़ता है, इन हाउस होल्ड में दूध है, दूध से दही बनता है, देखिए लिखा है दही, फिर चीज, फिर घी बनाया जाता है, योगर्ट बनाए जाते हैं। दही में मुख्य रूप से लेव नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, दही को बनाने में, कर्ड को बनाने में लेव नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है लैक्टोबैसिलस, इनका उपयोग करके दही बनता है, फिर चीज भी बनता है, क्या बनता है, चीज में मुख्य रूप से मैंने ये बताया आपका कच्चा पनीर है, पका पनीर है, कैम्बर्ड पनीर है, क्या कैम्बर्ड पनीर है, ओवम स्विस पनीर है। तो मुख्य रूप से आपके ये जो तीन लास्ट में लिखे हुए हैं, ये तीन, ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप होता है, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सारमैनी, बिल्कुल रट डालिए, स्विस पनीर इसको कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाले पनीर को स्विस पनीर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में ही पाया जाता है, तो मैं बता रहा हूं, एक हंसी मजाक का दे दिया। तो प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सारमैनी, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है। फिर रॉकफोर्ट चीज पनीर, तो यह फंगस के द्वारा बनाया जाता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक फंगस है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। फिर कैम्बर्टी, तो यह भी फंगस के द्वारा तैयार किया जाता है, पेनिसिलियम मुख्य रूप से कैम्बर्टी के द्वारा तैयार किया जाता है, इस वजह से इसको कैम्बर्ट नाम दे दिया गया। ये अभी तक आप और हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको मैं मिटा लूं। अब यहां थोड़ा सा योगर्ट के बारे में भी पढ़ देंगे, योगर्ट के बारे में भी पढ़ लें, इस वजह से मिटाल दिया। चलिए तो अब आप और हम लोग देखते हैं योगर्ट, यह भी मिल्क प्रोडक्शन है, यह भी मिल्क प्रोडक्ट है जो माइक्रोब्स के यूज के द्वारा बनाया जाता है, माइक्रोब्स के यूज के द्वारा मुख्य रूप से इसको तैयार किया जाता है। इसमें जो माइक्रोब उपयोग होगा वह लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस नामक जो बैक्टीरिया है, जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है।
लिख लीजिए लैक्टो लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस पहला ये। दूसरा मुख्य रूप से आप लिखिए स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो कोकस थर्मोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को यदि दूध में मिला दिया जाए तो मुख्य रूप से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मिल्क प्रोडक्ट योगर्ट तैयार होता है। कौन सा तैयार होता है मुख्य रूप से योगर्ट तैयार होता है। उबालकर सांद्रित दूध में ये बैक्टीरिया मिला दिए जाते हैं। उबालकर सांद्रित दूध में मुख्य रूप से इन बैक्टीरिया को मिला दिया जाए तो योगर्ट नामक मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल बैक्टीरिया आपको ये मैं बता दूं। अब आप कह रहे हैं कि देखो ये 12th स्टैंडर्ड पे जो सिलेबस में है अपने, तो इसमें जो बता रहा हूं वह डिटेल में लिखना है, डिटेल में लिखना है। लेकिन मुख्य रूप से इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वह ये ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड ट्रू एंड फॉल्स या मैचिंग ज्यादा बनते हैं। तो ये बैक्टीरिया के जो माइक्रोब्स हैं इनके जो मैं नाम बता रहा हूं ये नाम आपको जरूर रटने हैं। क्या नाम आपको जरूर रटने हैं? क्यों? क्योंकि नीट के लिए भी वही चीज आएगा और ट्वेल्थ में यदि वन वर्ड में राइटिंग में आ जाए तो भी आपको वही लिखना है। और फिर दूध से दही कैसे बनता है कि दूध को उबाला जाता है फिर उसको ठंडा किया जाता है फिर उसमें जामुन यानी इनोकुलम मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है और विटामिन B12 बनकर उसमें मिल जाते हैं जिसके कारण वह दूध पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एवं उसको स्वादिष्ट हो जाता है। ये भाषा में लिख देंगे, ये किस रूप में लिख देंगे, भाषा में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आपका योगर्ट मुख्य रूप से तैयार हुआ। क्या हुआ? योगर्ट तैयार हो गया। अब स्वाभाविक है कि यानी ये मिल्क प्रोडक्ट अपने समाप्त हो गए। क्या समाप्त हो गए? मिल्क प्रोडक्ट ये समाप्त हो गए जो मैंने अभी तक बताए थे, वह मिल्क प्रोडक्ट चल रहे थे। अब आपने देखा होगा कि इडली डोसा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है घरों में। क्या बनते कि नहीं बनते, कितनी अच्छी लगती है? चावल, ये उड़द की दाल होती है, क्या उड़द की दाल होती है, इनको मुख्य रूप से पीस लिया जाए और पीस कर मुख्य रूप से उसमें पानी मिला दिया जाए, गाढ़ा एक घोल तैयार हो जाता है। क्या इडली डोसा के लिए क्या करते हैं? चावल ले लो और उड़द की दाल वगैरह ले लेते हैं, उस उड़द की दाल को चक्की पर जाकर पिसवाते हैं, पिसवाने के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या करते हैं, घर पर लाकर उसको क्या किया जाता है, पानी मिलाकर उसका एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, क्या उस इसको भी मैं ये चलने दो यहां। अब आप और हम लोग चर्चा करेंगे इडली डोसा, किस पर चर्चा करेंगे, इडली डोसा और ब्रेड, इडली डोसा ब्रेड। देखिए तो इडली और डोसा जो है वह चावल और उड़द के प्रोडक्ट होते हैं और ये जो है वह गेहूं के आटे के प्रोडक्ट है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना, गेहूं का आटे से बनाया जाता है और यह है चावल और उड़द दाल, इसको पीस कर तैयार किया जाता है और गेहूं का आटा तो लिखा ही है, फिर पीस कर इसको पानी मिलाकर गाढ़ा पानी मिलाकर ऐसे ही इसमें करेंगे पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करते हैं, गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। ठीक है, इडली डोसा के लिए चावल उड़द का, ब्रेड के लिए गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं। तो पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया, ये जो गाढ़ा घोल जो लिखा हुआ है इसको डफ कहा जाता है, ये विषय ध्यान रख लीजिए, इसको रट लीजिए। डफ का मीनिंग क्या होता है कि आटे का जो गाढ़ा जो घोल होता है इसको मुख्य रूप से डफ कहा जाता है, चावल या उड़द
की जो दाल होती है उसका जो होता है उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, डफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये, डफ जब बना लिया गया तो कुछ लंबे समय तक मुख्य रूप से इसको रख दिया जाता है। ये लंबे समय से तात्पर्य ये नहीं कि दो चार महीने छह महीने रख दिया जाए, इसको पांच सात आठ घंटे दस घंटे के लगभग बारह घंटे के लगभग मुख्य रूप से इसको रख दिया गया। जैसे रखेंगे तो ओपन एटमोस्फियर, क्या रखेंगे तो ओपन एटमोस्फियर से मुख्य रूप से इसमें क्या आते हैं, यानी कि ओपन एटमोस्फियर से मतलब वातावरण से, क्या वातावरण से मुख्य रूप से आकर इसमें सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं, आकर क्या मिलेंगे सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं आकर, वह सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से क्या होते हैं कि इसको फर्मेंटेड कर देते हैं, या मतलब इसका किण्वन कर देते हैं, यानी कि किण्वन से मतलब है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर दिया जाता है। तो जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा इडली में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इडली में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से CO2 निकलती है। मतलब ये कहा जाए, मतलब वहां नहीं छोड़ो, इडली को छोड़ दीजिए, आपको मैं छेद जो बता रहा हूं वह पनीर में पीछे बता चुका, यह छेद ब्रेड में देखिए, आपने देखा होगा ब्रेड में मुख्य रूप से क्या होते हैं छेद पाए जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं वह छेद, क्या तो वह छेद मुख्य रूप से क्या होता है कि वहां जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या बनती है CO2 गैस बनती है, एथिल एल्कोहल बनता है और CO2 गैस बनती है। तो जो CO2 है वह CO2 बाहर निकलती है, जब CO2 अधिक मात्रा में बनी जो बाहर निकली तो जिस कारण से बाहर निकलेगी तो वो छिद्र बन जाते हैं, बाहर निकलने के लिए भाई छिद्र तो होंगे तो छिद्र बन जाते हैं। इस वजह से आपको ब्रेड में मुख्य रूप से क्या दिखाई देते हैं छेद दिखाई देते हैं, इडली डोसा में मुख्य रूप से भी आपको छेद दिखाई देते हैं। तो ये जो कंडीशन है कैसे मुख्य रूप से होगा, जैसे पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया, पानी मिलाकर मुख्य रूप से गाढ़ा घोल तैयार किया तो बातर में लगभग 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया गया, यानी किण्वन क्रिया करने के लिए। कौन सी क्रिया करने के लिए इनको छोड़ा जाता है, किण्वन क्रिया करने के लिए छोड़ दिया गया, यानी फर्मेंटेशन के लिए, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन के लिए मुख्य रूप से छोड़ दिया गया। दूसरी भाषा में मैं सरल भाषा में कह देता हूं कि इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए छोड़ दिया गया। अब रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये यहां आपको लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है, अनोक्सी श्वसन जो क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, अनोक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां इडली डोसा, यहां मैं एक प्रोडक्ट और लिख रहा हूं उपमा, क्या लिख दो उपमा, ये भी मुख्य रूप से आपने खाया होगा क्या, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो मुख्य रूप से क्या होता है ये किस कंडीशन में होता है, देखें स्टार्च इनमें पाया जाता है ये सभी को पता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा बच्चों ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस को ध्यान करिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द्वारा क्या बनता है पाइरूविक एसिड बनता है, क्या बनता है बच्चों पाइरूविक एसिड बनता है, पाइरूविक एसिड का फर्मेंटेशन कराया जाता है जिसके फलस्वरूप C2H5OH+CO2 बनती है, क्या बनती है CO2 बनती है। तो ये जो CO2 देखिए एथिल एल्कोहल बना, अब आप कहोगे कि सर एथिल एल्कोहल ये बना है एथेनॉल तो ये तो दारू हो गई, ये तो लाभदायक है, वो थोड़ी बहुत मात्रा में बनती है वो वैसे ही गायब हो जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में बनती है वैसे ही गायब हो जाती है। तो ये जो CO2 बनती है ये CO2 बाहर निकलती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, ये CO2 निकली तो ये CO2 बाहर निकलती है, जब ये CO2 बाहर निकलती है तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या होता है छेद उनमें दिखाई देते। तो आपने देखा होगा कि ब्रेड में मुख्य रूप से क्या दिखाई देते छेद दिखाई देते हैं, ब्रेड में मुख्य रूप से क्या दिखाई देते छेद दिखाई देते हैं। अब इस दौरान मुख्य रूप से जो इसमें बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव मिलेंगे उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, तो लिख लीजिए नाम ल्यूकोनोस्टॉक मेंस, लिख दूं मैं, चलिए यहां लिखूं, चलिए ल्यूको नोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक मेंस्टीरॉइडिस
मेंस टी रॉयडेस, ये एक सूक्ष्म जीव है। दूसरा सूक्ष्म जीव स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस से जो वातावरण से इस गाढ़े घोल में मिलती है, वातावरण से इस गाढ़े घोल में मिलती है। ये विशेष ध्यान रखना, गाढ़ा घोल में चावल और उड़द की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, चावल और उड़द की बात कर रहा हूं, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। ब्रेड में तो मुख्य रूप से दूसरा मिलेगा, जो ब्रेड में जो मिलेगा उसको मैं लिखे देता हूं सैकोमाइड, ब्रेड में जो मिलता है वह कौन सा मिलता है, सैकोरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये मुख्य रूप से ब्रेड में विशेष तौर पर ये क्या है, ये फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, ये ध्यान में रख लीजिए। ब्रेड जो तैयार हो रही है वो फंगस के माध्यम से तैयार हो रही है, और ये प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है इडली डोसा उपमा वगैरह, यह मुख्य रूप से किसके द्वारा तैयार हो रहा है, ये बैक्टीरिया के द्वारा तैयार हो रहा है, वो ये लिखे हुए हैं इनके द्वारा तैयार हो रहे हैं। लेकिन सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है यह एक फंगस है, वह भी कौन सा, यूनिसेलुलर फंगस है। कैसा फंगस है, मुख्य रूप से यूनिसेलुलर फंगस है, तो यूनिसेलुलर फंगस के द्वारा मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, यानी ईस्ट, यहां लिख दूं वाई ई ए एस टी, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया वाई ई ए एस टी, तो इसको याद कर लीजिए, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा ब्रेड तैयार की जाती है। और ब्रेड किसकी बनती है, आटे में बनती है, आटे को पानी में घोलकर मुख्य रूप से गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं, जिसको डफ कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से डफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्या, इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको लिख लीजिए वेकर्स ईस्ट, मैं लिख दूं जगह है वेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका क्या, इडली उपमा डोसा ब्रेड, इडली उपमा डोसा ब्रेड किस प्रकार से तैयार होते हैं और किन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए मैं मिटा लूं। तो ये ब्रेड, अब थोड़ा ड्रिंक पर चर्चा कर लें अपना, मतलब अगला जो था, यहां टोडी कहीं लिखा हुआ है, अच्छा टोडी यहां लिखा हुआ था, मिटा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, इडली उपमा डोसा ब्रेड, ब्रेड विषय ध्यान रखना, ब्रेड को विषय ध्यान रखना, इसके द्वारा तैयार किया है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा तैयार किया जाता है, इसको वेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको वेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अब आप लोग चर्चा जो कर रहे हैं वह चर्चा मुख्य रूप से किस पे करेंगे, टोडी। आप लोगों ने देखा होगा टोडी एक ड्रिंक है, टोडी एक ड्रिंक है, यह पाम के प्लांट से तैयार की जाती है, यह पाम के प्लांट से मुख्य रूप से तैयार की जाती है। तो पाम प्लांट टोडी नामक ड्रिंक तैयार की जाती है, जिससे ध्यान रख लें। और ये जो मोस्टली जो तैयार की जाती है, यह किस स्थान पर तैयार की जाती है, साउथ इंडिया में, कहां की जाती है, साउथ इंडिया में, लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं, लंबे लंबे जो पौधे होते हैं जिनको पाम प्लांट्स कहा जाता है, पाम प्लांट्स कहा जाता है, तो उस पर चढ़कर मुख्य रूप से इस पाम प्लांट से सेप निकालते हैं, क्या निकाले आप, सेप निकालते हैं, जो सफेद कलर का मुख्य रूप से होता है, सेब निकाल लिया। तो वहां के लोग तो इस सेब को डायरेक्ट ही पी लेते हैं, इस सेब को डायरेक्ट ही मुख्य रूप से पी लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक है, इसको जो तैयार किया गया है, टोडी को जो तैयार किया गया है, वह टोडी मुख्य रूप से कैसे तैयार किया गया, फर्मेंटेड, फर्मेंटेड
फर्मेंटेशन के फलस्वरूप तैयार किया गया, क्योंकि इस टोडी को फर्मेंटेशन के फलस्वरूप तैयार किया गया, इस वजह से इसको फर्मेंटेड ड्रिंक भी कहा जाता है। क्या? फर्मेंटेड ड्रिंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको साउथ इंडिया में तैयार किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, बस्तर एक जिला है। कौन सा जिला है? बस्तर जिला है। वहां भी मुख्य रूप से पाम पौधे से इस टोडी को तैयार किया जाता है। एक चीज आपका मुख्य रूप से ये हुआ, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा सुन लीजिए, एक जिसको जापान में है, टोफू नामक ड्रिंक है, जो जापान में मुख्य रूप से तैयार की जाती है। जापानी घरेलू उत्पाद है टोफू, इसको लिख लीजिए, जापानी घरेलू उत्पाद है। फिर अगला टैम्फ, इससे इंडोनेशिया में सोयाबीन से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है? सोयाबीन से मुख्य रूप से तैयार की जाती है। फिर एक है सुफू, मुख्य रूप से इसे चीन में, कहां पर? चीन में सोयाबीन से तैयार की जाती है। क्या? चीन में इसे सोयाबीन से मुख्य रूप से तैयार की जाती है। ये सभी के सभी माइक्रोस प्रोडक्ट हैं। ये सभी के सभी किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं? माइक्रोस प्रोडक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। तो इतना आपको मुख्य रूप से किस में पढ़ना है? इन हाउस होल्ड, घरों में प्रयोग होने वाले जो उत्पाद हैं, उनके अंदर आपने दही पढ़ लिया, आपने चीज पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया? मुख्य रूप से चीज पढ़ लिया, घी पढ़ लिया, योगर्ट पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? इडली डोसा उपमा ब्रेड पढ़ लिए, इडली डोसा उपमा ब्रेड पढ़ लिए। तो इतनी सारी चीज, इसके अलावा मुख्य रूप से आपने टोफू पढ़ लिया, टैम पढ़ लिया, सुफू पढ़ लिया, और टोडी नामक ड्रिंक भी पढ़ ली। क्या पढ़ ली? टोडी नामक फर्मेंटेड जो ड्रिंक है उसको भी आपने स्टडी कर ली। तो इतना आप कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी स्तर पे, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल पिछड़ेंगे नहीं, सबसे आगे खड़े होंगे, फ्रंट लाइन में आप खड़े होंगे। क्लियर? और मैं इस वजह से इतना आपको बता रहा हूं कि फ्रंट लाइन में मैं आपको लाना चाहता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो वह मैं इंडस्ट्रीज पर चर्चा करूंगा। किस पर चर्चा करूंगा? इंडस्ट्रीज पर चर्चा करूंगा, क्योंकि उद्योगों में मुख्य रूप से देखिए। अब आप कहो कि सर उद्योग तो ये भी है, क्या मिल्क डेयरी जो है उद्योग है? ये छोटे स्तर के उद्योग हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो घरों में डाल ली जाती है। लेकिन यहां अब मैं बात करूंगा लार्ज स्केल पर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, आपकी शराब बनाई जा रही, दारू जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दारू कहा जाता है, उसको मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। ये जो चीज है इन पर मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज में जो तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, माइक्रोब्स के माध्यम से, तो उनको एंजाइम बनाए जा रहे हैं, आज आपने देखा होगा, हार्मोन बनाए जा रहे हैं, क्या हार्मोन बनाए जा रहे हैं, स्टीरॉयड्स विभिन्न प्रकार के बनाए जा रहे हैं। वो कहां बनाए जा रहे हैं? इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं। वो कहां बनाए जा रहे हैं? इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं। तो उन पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक का आप